नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद लगातार आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। जहांगीरपुरी में हो रही बुलडोजर से कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए रोक लगा दी है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। चारों तरफ हंगामा, बुलडोजर का अटैक, सड़कों पर बिखरे पड़े आशियानों के टुकड़े, आंखों के सामने बिखरते रहे सपने, ऐसा ही मंजर दिल्ली के जहांगीरपुरी से सामने आया है, जहां एमसीडी की तरफ से बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अगले ही पल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बुलडोजर से होने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुधवार को यानी कि आज बुलडोजर चलवाया। हालांकि ये कार्रवाई करीब एक घंटे ही चल पाई कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। इस मामले में अब गुरुवार यानी 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था। इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 जवान तैनात किए गए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका यूपीएमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई। वही दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई थी। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शाम करीब 4:30 बजे हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस यात्रा को के ब्लॉक तक जाना था। जब ये शोभा यात्रा करीब 6 बजे सी ब्लॉक तक पहुंची, तभी दो पक्षों में झड़प हो गई और देखते ही देखते ये झड़प हिंसा में बदल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी फायरिंग शुरू हो गई और वहीं इस विवाद में करीब 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए और मामले को शांत कराने की कोशिश की। बीजेपी ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया था, लेकिन बिना किसी नोटिस के लोगों के घर तोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए 21 अप्रैल को मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।